हेलो गाइस, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे डोज कॉइन के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि हम सभी को यह पता है कि SNL शो के बाद डोज कॉइन बहुत ही तेज़ी से डंप हुआ है। इस बात की किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। डोज कॉइन में बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करके निकल भी चुके हैं। वहीं कुछ लोग जिन्होंने 52 से 56 के बीच में डोज कॉइन को बाय किया था, वह अभी भी लॉस में है। जैसा कि सभी लोग है उम्मीद ला रहे थे कि SNL शो के बाद डोज कॉइन बहुत ही ज़्यादा पंप करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और साथ ही इलॉन मस्क ने SNL शो के बाद ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया है जो कि डोज कॉइन से रिलेटेड हो। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि इलॉन मस्क के ट्वीट के आने के बाद हमेशा डोज कॉइन का प्राइस बढ़ा ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर गाइस हम इलॉन मस्क के नेक्स्ट ट्वीट का वेट करें तो गाइस हमें शायद पता चल जाए कि डोज कॉइन बढ़ेगा कि नहीं। जैसा कि गाइस यह न्यूज आ रही थी कि डोज कॉइन 8 मई को अपना $1 का टारगेट को छू लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गाइस यह एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में सडन चेंजेस आते रहते हैं। SNL शो के बाद गाइस ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई जिससे यह बोलना आसान हो कि डोज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा ही। इसी वजह से गाइस डोज कॉइन में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर डोज कॉइन के मार्केट रैंक की बात की जाए जो फिलहाल अभी 4th रैंक पर है, और साथ ही इसका मार्केट कैप 6,74,000 करोड़ रुपए है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 13,000 करोड़ डोज के आसपास है। तो गाइस यह था डोज कॉइन को लेकर एक नया अपडेट। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।